दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं प्रांश, आप सभी का स्वागत करता हूँ पिक्सेल स्नैपशॉट के बिल्कुल फ्रेश एपिसोड के अंदर। और दोस्तों, 11 सितंबर आने में कुछ 2 दिन का समय यहाँ पे बचा है। आज है 8 सितंबर जब ये वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। आप ऐसे बहुत सारे लोगों के दिल में या दिमाग में ये कन्फ्यूज़न अभी भी चल रहा होगा कि 11 सितंबर को आखिरकार क्या होने वाला है। आपके नहीं, मेरे भी दिमाग में ये चीज़ चल रही है क्योंकि हम लोग के फ्यूचर देख नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जिसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 11 सितंबर को अगर ये चीज़ होती है तो ये होगा, ये चीज़ होती है तो ये होगा। तो दोस्तों, आज यहाँ पे मैं आपको दोनों एक्सपर्ट्स बताने वाला हूँ, पॉजिटिव एक्सपर्ट और नेगेटिव एक्सपर्ट बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन यहाँ पे बैन होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों, पहले हम लोग ये समझते हैं कि बिटकॉइन क्या है, कैसा है, क्यों है, क्या है, मतलब उसके बारे में डिटेल। तो दोस्तों, यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है जो कि आप में जैसे जिनके पास कंप्यूटर सिस्टम होता है और जिनके पास इंटरनेट होता है उनके पास से वो चलती है, सारे रेगुलेशन यहाँ पे होते हैं। उसके बाद ये जब करेंसी आई थी 2009 में, तो इसके अंदर एक ब्लॉक रिवॉर्ड करके एक चीज़ होती है, ब्लॉक साइज जिसे कहा जाता है, उसको यहाँ पे सेट करा था सतोशी नाकामोटो ने, इसकी जो कोडिंग होती है ब्लॉकचेन के ऊपर। तो उसके अंदर ये चीज़ को सेट करा गया है कि हर 4 साल के अंदर इसका जो ब्लॉक साइज है वो हाफ होता जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी डिमांड दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ती जा रही है। सबसे पहला जो इसके अंदर ब्लॉक का जो फॉक हुआ था वो हुआ था 2012 में, इसका जो ब्लॉक था वो था 50 का, और उसके बाद फिर 2016 में इसका हुआ, और अब जो अगला जो यहाँ पे फॉक होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पे 2020 के अंदर। तो जब यहाँ पे 2016 में इसका जब 50 से ब्लॉक आधा हो गया 25 पे, तो आपने देखा होगा एक पैराबोलिक मूव बिटकॉइन के अंदर जो कि 2017 में आपको देखने को मिला था, जहाँ पे बिटकॉइन $1,000 से सीधे $20,000 को यहाँ पे टच कर गया था। तो इसी के कारण क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे इसकी सप्लाई धीरे धीरे कम होती जाएगी और इसके ब्लॉक रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे कम होते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी माइनिंग करते टाइम, और इसका जो डिमांड है वो मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ रही है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े जितने वॉल स्ट्रीट के लोग हैं, बड़े बड़े एक्सचेंजेस, बड़े बड़े लोग, और यहाँ तक कि हम जैसे छोटे इन्वेस्टर भी आज बिटकॉइन के पीछे भाग रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी उसके उस पैसे को देखकर कि उसकी क्षमता कितनी यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो इस वीडियो में दोस्तों ये जरूरी है कि जब आप इन दोनों एक्सपर्ट को यहाँ पे देखेंगे, चाहे उसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो आपको यहाँ पे वही लोग इस वीडियो में यहाँ पे देखें जो यहाँ पे बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं और सारे चीज़ों को यहाँ पे पैरामीटर्स को देखते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब RBI ने यहाँ पे एक सर्कुलर लाया था 6 अप्रैल के आसपास, तो यहाँ पर उस टाइम से कुछ लोगों में हड़कंप मच गया था जिनके कमजोर दिल थे, या फिर वो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में नहीं समझते हैं, या फिर वो समझते हैं कि बिटकॉइन एक बबल है, या फिर समथिंग समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो वो लोग ऑलरेडी वहाँ से हटना चालू हो गए थे। और जब ZPay ने यहाँ पे लास्ट अनाउंसमेंट करा था तो इसमें भी बहुत सारे लोग यहाँ पे हट चुके हैं जो कि बिटकॉइन के मार्केट में आए थे पैसा कमाने के लिए एक शॉर्ट टर्म, एक क्विक टर्म के अंदर, और उनको जब यहाँ से कुछ भी हाथ नहीं लगा, उल्टा लॉस होने लगा, तो वो इस मार्केट को धक्का देके यहाँ से बाहर निकल गए। क्योंकि अब दोस्तों यहाँ पे RBI ने बैन कराया और हम सभी लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं RBI की 11 तारीख के बैन के बारे में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कितना और कर सकती है, क्या कर सकती है, कैसे बैन कर सकती है। तो जो मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन की सप्लाई क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में यहाँ पे बता दी है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बिटकॉइन को कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी एक सेंट्रलिटी अथॉरिटी उसको कंडक्ट नहीं करती है और ना ही बिटकॉइन को चलाती है। बिटकॉइन को चलाते हैं आप, हम जैसे लोग जिनके पास है इंटरनेट या फिर एक पावरफुल कंप्यूटर, क्योंकि पावरफुल कंप्यूटर तो आप माइनिंग कर सकते हैं, मतलब बिटकॉइन जनरेट करते हैं, और अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप उसका आदान प्रदान यहाँ पे करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो बैन लगाया, गवर्नमेंट कहें या RBI कहें, तो उन्होंने बैन लगाया कि कोई भी फिएट करेंसी से एक्सचेंज या फिर इंडिविजुअल बिटकॉइन को बाय या सेल नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ों को तो ये क्योंकि गवर्नमेंट का जो पैसा है, जो INR है, जो भी फिएट करेंसी है, वो एक गवर्नमेंट की सेंट्रलाइज करेंसी है, तो उन्होंने तो यहाँ पे बैन लगा दिया। अब गवर्नमेंट अगला बैन क्या लगा सकती है, तो वो यहाँ पे ये बैन लगा सकती है कि जितने भी ISP हैं, जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू इसको देख रहे होंगे, चाहे वो Jio होगा, Airtel होगा या ब्रॉडबैंड समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको एक ISP चाहिए होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो कोई भी हो सकता है इन कंपनी में से।
तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस कंपनी को गवर्नमेंट बोल सकती है कि आपको ये सारी साइट्स जो हैं उनको बैन करना होगा और इन सारी साइट्स को ब्लॉक कर देना है और उसके ऊपर एक नोट डाल देना कि गवर्नमेंट ने इन साइट पे जाने के लिए मना करा है। जैसे कि प्रीवियसली यहाँ पे हुआ था, आप सभी को पता होगा टॉरेंट के बारे में, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। वो भी एक पीयर टू पीयर नेटवर्क था, दुनिया का पहला ऐसा नेटवर्क था जो कि पीयर टू पीयर बेस के ऊपर चलता था। गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया और उसकी साइट पर डाल दिया कि ये साइट अनऑथराइज है, अगर आप इसको करते हैं तो आपको ये सजा हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जब आगे थोड़ा सा हम लोग पढ़े तो ऐसी बहुत सारी 18 प्लस साइटें भी थी जिनको गवर्नमेंट ने यहाँ पे बैन कर दिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। लेकिन यहाँ पर आप बिटकॉइन को बैन करेंगे तो बिटकॉइन को बैन नहीं कर सकते। हो सकता है ज़ैप्पे वज़ीरे जिससे जो हमारे एक्सचेंजेस चल रहे हैं उनको यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, उनका जो भी फंड है उनको दे दिया जाए और बंद करके साइड में कर दिया जाए। इस 11 तारीख के बाद अगर बैन लग जाता है तो ये हो सकता है कि जो आप इंटरनेशनली यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आपका बाइनेंस, बिटफिनिक्स, बिटमैक्स, जो भी एक्सचेंजेस हैं उनकी जो साइट्स हैं उनको इंडिया में ब्लॉक कर दिया जाए, सारी की सारी तरीके से ब्लॉक हो जाएंगी और आप बिल्कुल भी उन पर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर वीपीएन है तो फिर एक अलग बात है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट यहाँ पे कर सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट और क्या कर सकती है? तो आपके पास जितने भी ऑफलाइन वॉलेट्स हैं उस पर गवर्नमेंट निगरानी रख सकती है, उन कंपनीज को कह सकती है कि आप अपनी सर्विसेज यहाँ पे बंद कर दीजिए, आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ढेर सारी चीज़ें कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने आपके बिटकॉइन किसी हार्डवेयर वॉलेट के अंदर यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि आपकी जेब में होता है, जैसे कि ट्रेजर है और ये है, तो वहाँ पर आपको डरने की कोई भी बात नहीं है, वो बिटकॉइन आपके पास है और उसके लिए कोई भी यहाँ पे हिसाब नहीं मांगा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो गवर्नमेंट कर सकती है और गवर्नमेंट के अंदर क्या प्लानिंग होती है अगर उसको बिटकॉइन को यहाँ पे बैन कर दिया जाता है तो, कि ये सारे सिनेरियोस है। अब अगर मान लीजिए दोस्तों 11 तारीख को बिटकॉइन यहाँ पे बैन हो गया तो आप लोग क्या करेंगे, पैसा अपना कैसे निकालेंगे? क्योंकि आप जो भी इस बिटकॉइन के अंदर मार्केट में हम जैसे जो इन्वेस्टर्स बचे हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी पे भरोसा करते हैं। अगर इंडिया में बैन होगा तो ठीक है, बाहर तो चल रहा है, हमें इससे कोई इशू नहीं है। तो आप क्या पे कर सकते हैं, अगर आपके पास एक बड़ा फंड है 1 लाख 2 लाख 10 लाख, आप उसको विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप किसी भी नियरेस्ट कंट्री में जा सकते हैं जहाँ पे ATM लगे, जैसे दुबई, सिंगापुर, मलेशिया और साउथ कोरिया। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, उस कंट्री के अंदर कुछ नॉमिनल चार्जेस आपको लगते हैं आपकी फ्लाइट और वीज़ा का, आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे ATM से अपना पैसा निकालें, वहाँ पे जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं जो कि आपको फिएट करेंसी ट्रांसफ़र करते हैं आप उस करेंसी को ट्रांसफ़र कर लें अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट वहाँ से, या फिर आप वहाँ से इंडियन करेंसी को ले सकते हैं और उसको लेकर इंडिया वापस आ सकते हैं। ना तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स देना होगा, ना ही कोई किसी चीज़ का कोई कुछ पूछने वाला होगा कि आपने कितना पैसा आया, क्यों आया, कहाँ से आया। तो ये आप उस कंट्री में थे, उस कंट्री से आपने जो भी करा होगा वो ठीक है। इंडिया में जो टैक्स रेगुलेशन बनेगा वो आप दे सकते हैं, वहाँ पे जो चार्जेस आपके कटेंगे उस एक्सचेंज से पैसा भेजने के वो आप नॉमिनल कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने पैसों का कन्वर्ट करा सकते हैं। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिनके पास 5 हज़ार 10 हज़ार के बिटकॉइन है, वो यहाँ पे क्या करें? तो आपके पास दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है स्क्रील जैसे एक इंटरनेशनल एक्सचेंज का, जहाँ पे आप जा सकते हैं, दे सकते हैं और वहाँ से पैसा ले सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारे रिसेंट केसेस आए थे हमारे सामने जिसमें जो बैंक्स हैं उनके अकाउंट यहाँ पे सीज कर दिए गए बहुत सारे पर्सन्स के। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट खुला सकते हैं। पहले बैंक अकाउंट में आप स्क्रिल को जोड़ दीजिए स्विफ्ट कोड डाल के और वहाँ से पैसा उसमें मंगा लीजिए और जैसे उसमें पैसा आ जाए उस पैसे को आप अपने मेन अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। क्योंकि अगर बाद में बैंक अकाउंट बंद भी होता है तो आपका फर्स्ट बैंक अकाउंट बंद होगा, उससे आपको कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला होगा। तो ये कुछ ऑप्शन है दोस्तों कि अगर बिटकॉइन यहाँ पे 11 तारीख को बैन हो जाता है तो आप क्या क्या तरीके कर सकते हैं। तीसरा दूसरा ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है जिसे हम कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। अगर गवर्नमेंट उसको भी यहाँ पे बैन कर देती है या किसी भी तरीके से उस पर ब्लॉक करने की कोशिश करती है तो हम ओवर द काउंटर ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें ये होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से मिलकर कैश में डील कर सकता है और अपने बिटकॉइंस को आदान प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ सॉल्यूशंस थे कि अगर आपका बिटकॉइन यहाँ पे बैन हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे और क्या करने वाले। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव साइड की कि बिटकॉइन को अगर इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट कर देती तो आप लोग क्या कर सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट अगर रेगुलेट कर देगी तो सीधी सी बात है RBI का जो बैन है वो हट जाएगा। RBI का बैन हटने से आपके जो बैंक के ट्रांजेक्शन है वो सीधे से यहाँ पे चालू हो जाएंगे, जो भी आपका टैक्स नॉमिनल बनेगा वो आप भर सकते हैं और बिटकॉइन में इजी तरीके से वर्क कर पाएंगे, फिर आपके ऊपर कोई भी पाबंदी यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पर हमको ये देखना होगा कि अगर बिटकॉइन को ये लोग लीगल करेंगे तो किस मैनर में लीगल करेंगे, क्या उसको यहाँ पर ऐसा कमोडिटी ट्रीट करा जाएगा या ऐसा करेंसी ट्रीट करा जाएगा। यहाँ पे अगर हम कुछ पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें जो मैं प्रीवियस आपको क्रिप्टो न्यूज़ में और ऐसे बहुत सारी बताते रहता हूँ, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पर जो SEBI है जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि हमारे सारे शेयर्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर जो भी स्टॉक मार्केट है इसके ऊपर पूरी फोकस करता है NSE BSE के ऊपर, तो उन्होंने यहाँ पे अपने कुछ कमिश्नर्स को भेजा था दूसरी कंट्रीज़ में जैसे कि UK, जापान, स्विट्जरलैंड, और वहाँ से स्टडी करने को बोला है कि बिटकॉइन क्या है, कैसे चल रहा है, क्या पैटर्न्स चल रहे हैं, क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये पहले पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये न्यूज़ आई है कि हम हमारी खुद की क्रिप्टो करेंसी ला सकते हैं और जो कि रुपये बैकअप होने वाली है,
सेकंड पॉजिटिव न्यूज है, तीसरी पॉजिटिव न्यूज अगर हम यहाँ पे काउंट अप करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सुभाष चंद्र गर्ग है, जिनको एक कमेटी का हेड बनाया था, जिसको बिटकॉइन के ऊपर रिसर्च करने के लिए बोला गया था, तो वो बहुत टाइम से ये बोल रहे हैं कि हम इसके ऊपर ड्राफ्ट कंप्लीट कर रहे हैं। और जब प्रीवियसली जुलाई में ये बैन लग गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि मिड जुलाई तक एक ड्राफ्ट लेके आ जाएंगे, क्योंकि हमारा ड्राफ्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जो बहुत टाइम तक नहीं आया। लेकिन यहाँ पे 11 तारीख को हो सकता है कि वो कोर्ट के अंदर पेश करा जाए, कुछ शर्तों के साथ में यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट भी कर दिया जाए। तो आपको किसी भी तरीके का टेंशन यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करा है, तो ये मुझे गारंटी है कि आपने इसको ये सोच के नहीं करा होगा कि मैं यहाँ से आज कमा के कल निकल जाऊंगा। आप या तो यहाँ पर इसमें करियर बनाने आए होंगे, या फिर आप एक इन्वेस्टर बनने के लिए आए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करी होगी समझने के लिए पॉजिटिव एक्सपर्ट्स और नेगेटिव एक्सपर्ट कि बिटकॉइन बैन होगा तो हमें क्या करना है, बिटकॉइन बैन नहीं होगा तो हम क्या क्या कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी और अब आपके माइंड में जितना भी डाउट था वो यहाँ पे हट गया होगा। 11 तारीख को क्या होगा क्या नहीं होगा वो आप 11 तारीख पे छोड़ दीजिए, वहाँ पे हमारे बहुत सारे वकील लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लगी हुई हैं। और अगर आप इस चीज़ में कुछ करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि RBI के आप ट्विटर पर जाके ट्वीट कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि वी नीड अ बिटकॉइन लीगल, वी नो द बिटकॉइन, जो भी उसके फायदे नुकसान है वो सारी चीज़ें आप उनको समझा सकते हैं ट्विटर के माध्यम से, और अच्छे मैनर में एक तरीके से समझाएं ताकि उनको भी ये लगे कि हाँ यहाँ पर कुछ पॉजिटिव हो रहा है। बाकी मुझे जितना भी अभी न्यूज़ेस आ रही हैं, जितनी भी सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में, उससे मुझे यही लग रहा है कि बिटकॉइन बहुत जल्द रेगुलेट हो जाएगा इंडिया में। अगर गवर्नमेंट इस बार बिटकॉइन को रेगुलेट नहीं करती, बैन करते कि तो बिटकॉइन को आगे आने वाले 1 से 2 साल के अंदर कभी ना कभी तो बिटकॉइन को रेगुलेट करना होगा, क्योंकि सारी कंट्री उसको एक्सेप्ट कर रही है। और अगर इंडिया ऐसा नहीं करेगी तो इंडिया की इकोनॉमी पे इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ भी आ गई होगी। अगर ये दोस्तों वीडियो आ गई हो पसंद तो कर दीजिएगा लाइक, नहीं आए तो कर दे डिसलाइक। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जरूर कर दीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कि घबराए हुए हैं कि 11 तारीख को क्या होगा क्या नहीं होगा, ताकि उनके भी माइंड से जो सारी एक्सपर्ट्स थे वो सारे के सारे क्लियर हो पाए और जान पाए कि आखिरकार हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। सो बस दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।